सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि HIV एक ऐसी बीमारी है, ऐसी एपिडेमिक है जो सिर्फ विक्टिम को नहीं इफेक्ट करती है बल्कि उसके पूरे परिवार को, परिवार की सामाजिक जो स्टैंडिंग है उसमें भी बहुत इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो HIV पेशेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवेयरनेस दोनों तरफ है, एक तो प्रिकॉशनरी अवेयरनेस होता है कि आप HIV से बचाव कैसे कर सकते हैं, सेफ सेक्स हो या यू नो डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट, उसके बारे में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो HIV पेशेंट्स हैं समाज में उन्हें कैसे एक्सेप्टेंस देना है, स्टिग्मेटाइजेशन जो हो जाता है समाज में जैसे रति आंटी कह रही थी कि ऑस्ट्रसाइजेशन जो होता है HIV पेशेंट को, हम जिस निगाह से देखते हैं, हम डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसे क्यों नहीं देखते, वो भी पेशेंट है ये भी पेशेंट है। तो मुझे लगता है कि उस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं दाद देना चाहूँगा जिस तरह से काम गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, पूरे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में खन्ना अंकल ने मुझे यहाँ बुलाया है, एमक्योर इनकी कंपनी है और इनके साथ में बहुत सारी फार्मा लॉबीज़ की, मैं हिंदुस्तानी फार्मा लॉबी की खासकर दाद देना चाहूँगा कि शेर बनकर उन्होंने विदेशी कमर्शियल प्रेशर्स के सामने दहाड़ कर अपने हिसाब से दे मेड नेसेसरी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो HIV पेशेंट्स के लिए एक ज़माने में $10,000 साल का खर्चा होता था, हिंदुस्तानी के लिए $10,000 का खर्चा साल का सिर्फ जीने के लिए, बचने के लिए, आप सोचिए, उसे इन लोगों ने $100 के पर ईयर के रेट पे लेके आए हैं। इस बात की हमको बहुत दाद देनी चाहिए, थैंक्स टू द फार्मा कंपनीज ऑफ इंडिया स्पेशली। मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो एक्सीडेंटल अवेयरनेस हुआ था 8 साल पहले जब मैं अरुण जी के यहाँ नागपुर में गई थी, तब से लेके मेरी ख्वाहिश थी टू कंटिन्यू बीइंग सोशली अवेयर सिटीजन। एड्स HIV इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ मी बीइंग अ सोशली अवेयर सिटीजन। बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑन डे टू डे लाइफ विच वन शुड बी अवेयर, सो यस आई एम वेरी कनेक्टेड विद इट।